गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे हैं 2:40 दोपहर के, नॉट रात के। और आदित्य का बर्थडे का पार्ट वन तो आपने देख ही लिया होगा, जो स्कूल में हमने सेलिब्रेट किया था, छोटा छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। एंड अभी जो है घर में शुरू हो चुका है डेकोरेशन एंड ऑल। डेकोरेशन कौन, बचपन में आदित्य ना डेकोरेशन को डेकोरेशन नहीं बोलता था, डेकोरेशन डेकोरेशन बोलता था। तो डेकोरेशन अभी चल रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, और जैसे कंप्लीट होगा वो भी दिखाऊंगी, तो देखते रहिए। मैं अभी बस रेडी नहीं हूँ, नहा तो मैंने बहुत पहले लिया था, लंच वंच कर लिया, और उसके बाद अभी जो है पोडर शोडर लगाया अपन ने, और ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। और मेकअप हुआ कुछ भी नहीं करा है, फिर भी अच्छा ही लग रहा है गेस, है ना। मैं क्यों अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन कर लेनी चाहिए कभी कभी, अपने को तैयार करना, अपने आप की तारीफ करना, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, है ना। जब अपने आप से तारीफ करोगे ना, तो यू विल फील गुड, फूल गुड बोल रही हूँ, यू विल फील गुड। तो हमेशा ये मत वेट करो कि कोई आएगा और आपकी तारीफ करेगा और तब आप खुश हो, अपनी खुद से तारीफ करो, खुद ही खुश हो जाओ, और जीवन जो है खुशी खुशी बिताओ। तो मेरा तो यही फंडा है, आप लोग भी ये फंडा अपना लो तो सुखी भव रहोगे। और चलो अभी डेकोरेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड आदित्य अभी स्कूल से भी आने वाला है थोड़ी देर में, और वो देख कर ही एक्साइटेड हो जाएगा कि वाह, घर का तो काया पलट हो गया है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, मतलब कुछ भी, किसी का भी, उसका बर्थडे हो चाहे छोटे भाई का हो या किसी का भी हो, ये सुपर एक्साइटेड हो जाता है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट का तो कोई स्टॉपेज नहीं होता है। अभी आएगा तो उसके लिए तो सरप्राइज़ है, ऑल दो थोड़ा बहुत सोचता है वो कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन स्टिल एवरी टाइम इवन इफ़ वी डू द सेम थिंग, कुछ भी हो उसके लिए नया ही रहता है, ही इज़ एक्साइटेड। तो अभी एंट्री मारेगा तो एक्साइट हो जाएगा, अभी आके ही जो है पहले वो क्या छेड़ूँ करके घूमेगा। उसको मेरे को बोलना पड़ेगा भैया कपड़े चेंज करो और नहा धो लो, उसको थोड़ा खाना खिलाया जाएगा, और रेस्ट करने का तो टाइम नहीं मिलेगा बेचारे को, क्योंकि ट्यूशन टीचर आ जाएंगी, और उसके बाद इवनिंग 6 बजे से जो है शुरू हो जाएगा सेलिब्रेशन, लोगों का आना एंड ऑल। तो पहले जब भी हम कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ भी शुरू करते हैं, पहले भगवान को याद करते हैं, और उसके बाद ही जो है बाकी सब कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो इन ब्रीफ, पहले भगवान को याद किया जाएगा, उसके बाद केक कटिंग होगी, उसके बाद जो है ताली बजेगी, ताली के बाद जो है थोड़ा केक बटेगा, केक बटने के बाद जो है खाना खाएंगे सब लोग, और खाना खाने के दौरान जो है बहुत सारे लोग आते हैं, तो हंसी मजाक चलता रहता है, और उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो यादगार बन के रह जाती कि उस वाले बर्थडे पर किसी ने ये कहा था या वो कहा था। तो ये सब रेगुलर है, हर किसी घर में होता ही होगा, बट स्टिल जिसका घर अपना, जो भी एक्टिविटी सबके लिए अपने लिए, मतलब सबका अपना अपना स्पेशल होता है ना, तो वही चल रहा है। चलो अभी डेकोरेशन दिखाती हूँ, चलिए। यहाँ पे देखिए अभी पूरा डेकोरेशन ख़त्म हो चुका है, सो फंक्शन हॉल बना दिया है हमने हमारे घर को। कैसा लग रहा है डेकोरेशन बताना ज़रूर। इस बार ऊपर नहीं चिपका है क्योंकि निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे ऐसे रखा है एक्वेरियम के ऊपर यहाँ पे, एंड यहाँ पे बस इतना ज़्यादा नहीं किया है, बस बलून, मैंने बोला कहीं पे भी कुछ भी चिपकाना नहीं, ओनली जितना हो सकता है उतना बांध दो, और बाहर भी मेन डोर के पास भी ऐसे लगाया हुआ है, क्योंकि लाइटिंग्स तो है ही, थोड़ी देर के बाद ये लाइट्स जला देंगे हम लोग, तो वो तो हो ही जाएगा। एंड घर के अंदर का लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे जो भी कार्टून आर्टिस्ट होते हैं सारे हैं, मोटू पतलू, हनी भी, स्पाइडरमैन, बारबी, जो भी है सब है। ये देखो उल्टा हो गया अपना टॉम एंड जेरी वाला। और यहाँ डाइनिंग में यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगा दिए, और डाइनिंग टेबल को साइड में कर दिया है, और वहाँ पे एक चेयर लगाई है, बस इतना ही है डेकोरेशन। मेरी हालत देख रहे हैं, खस्ता हो चुकी है, अभी मुझे ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा रेडी होना है, और बच्चे देखो यहाँ पे सो रहे हैं, और हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं, सबसे पहले रेडी हो गए,
कि सब लोग को रिसीव कर पाए और ये आईलाइनर जो है मैं निकालने की कोशिश करी नहीं, अभी तो निकल गया है, नहीं फिर भी थोड़ा सा है। तो बच्चों के उठने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर बात करती हूँ, और उसके बाद बच्चे जब उठेंगे उनको रेडी करूँगी। अपने पास कितना टाइम है, आधा पौना घंटा है। रेडी हो चुकी हूँ कम्प्लीटली एंड आज मैंने लगाया है, क्या टेढ़े मेढ़े लग रहा है, बाद में ठीक करेंगे इसको। तो अभी मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने एनिवर्सरी गिफ्ट जो है अपने बेटे के बर्थडे पे पहन लिया, क्योंकि एक दिन का ही गैप है ना, तो बिल्कुल हमको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है कि हम ब्रेक लेके थोड़ा और कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी पूरा हम ऑर्गेनाइज तो कर ही देते हैं। तो मैं एकदम कम्प्लीटली रेडी हूँ, तो कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना, मैं अपनी पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले गेस्ट हमारे ये आंटी अंकल लोग थे जो सबसे पहले आए थे, और वीडियो चल रहा था, बहुत लोग को पता नहीं होता ना वीडियो, तो वो सोच रहे होते हैं कि फ़ोटो ही खींची जा रही है, तो बच्चे को उठा के पोज वोज दे रहे थे। और अब धीरे धीरे जो है गेस्ट की एंट्री हो रही है। अभी जो आए हैं वो मेरे बड़े ससुर जी के बेटे और उनकी बहू हैं, और उनके बच्चे भी आए हैं। तो उनके बाद जो है ये लोग आ गए थे, और धीरे धीरे मतलब जब तक लोग आते नहीं है ना, तो लगता है कि कितने लोग जो है कैंसिल करने वाले हैं ये, क्योंकि एक एस्टिमेशन लगा के खाने का ऑर्डर देते हैं। तो धीरे 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 लोग आ रहे थे, और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आके बैठ चुके हैं और ससुर जी भी आके बैठ चुके हैं। तो क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, चश्मा लगा के हैं, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग अंदर ही बैठ जाते हैं, मैं कुछ नहीं होता, आप साथ में ही बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। और बाद में जब इनके ऑफिस के भी बहुत सारे लोग आने लगे, तो लेडीज़ जो है अंदर डाइनिंग के एरिया में, जो मैंने दिखाया था आपको, चेयर्स वेयर्स लगा रखी है, वहाँ पे बैठे थे, और बेडरूम में भी बैठे थे। और बच्चे थे वो तो उधम मचाना शुरू हो गए थे। ये वाले जो अंकल है हमारे लिए गिफ्ट के रूप में एक मनी प्लांट लेके आए थे पॉट के साथ। जनरली बोलते हैं कि जो मनी प्लांट होता है, अगर कोई आपको गिफ्ट दे तो अच्छा होता है, या तो आपको चोरी करके लगाना पड़ता है, तब इट इज़ गुड बोलते हैं। तो चोरी करके तो कभी लगाया नहीं, तो गिफ्ट ही मिल गया, तो ये अच्छी एक बात हो गई। एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस पॉट। तो फोटोग्राफर जो है फोटो खींच रहा था, मैंने सोचा मेरे को साइड में होने के लिए बोला, तो मैं बीच में साइड में चली गई थी, फिर बोला नहीं नहीं आपको खड़े होने के लिए बोल रहे करके, और उनका पॉट जो है साथ में वहीं रख दिया। और इनको फ़ोन आए जा रहे हैं, कुछ लोगों को एड्रेस मालूम होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, कुछ नए नए लोग भी आते हैं हमेशा हर एक बर्थडे पार्टी में, तो वो आ रहे थे, तो ये बार बार इधर उधर घूम रहे थे। और जो फोटोग्राफर है वो भी बोल रहा था कि मैडम दूसरे फोटोग्राफर को बोला के वीडियो भी निकलवा दूँगी मैं, वो नई ही फ़ोटोज़ काफ़ी है करके, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं ना कि मैं वीडियोग्राफर हूँ, यहीं पे हूँ करके। तो फ़ोटोज़ उन्होंने खींचे बहुत सारे, और बाद में इनको भी बैठने के लिए बोला, तो ये भी बैठ गए। और उसके बाद मैक्सिमम अब धीरे धीरे सारे लोग आ चुके थे, और कुछ लोग इस रूम में, कुछ लोग उस रूम में, और यहाँ पे, और अब हमारी केक कटिंग की सेरेमनी शुरू हो चुकी है। तो ये रहा आदित्य का केक, जो बहुत ही यमी था और ख़त्म भी हो चुका है, अब मुझे लग रहा है कि एक बार ऐसे ही मंगा लूँ मैं। और अब एक एक करके सबसे पहले जो है मेरे सास ससुर ने उनको आशीर्वाद दिया, ये जो चावल और हल्दी और फूल का मैंने मिला के रखा था, सब लोग आके जो है उसको बच्चों के ऊपर डाल के एक एक क्लिप्स लेने के बाद सब लोग कर रहे थे। ये है हमारी पिक। तो आदित्य जो है जितने भी लोग डाले थे बार बार सर ऊपर नीचे कर रहा था, बोल रहा था मेरे को गुदगुदी हो रही है करके। और उसके बाद सब लोग को एक एक करके डालने के लिए बोला, तो वो नीचे देखने में भी देता आदित्य। और अभिषेक ने जो है केक में ऐसे हमले किए कि केक की हालत केक जैसी नहीं रही, उसने हाथ घुसा घुसा के उसमें होल कर दिए। तो जब तक लोग
आशीर्वाद दे रहे थे, फोटो स्नैप्स ले रहे थे, तब तक वहाँ मैंने केक रखा था, क्योंकि अगर उसके बीच में मैं लेके चल जाती तो वो रोना शुरू कर देता और बिल्कुल बैठता भी नहीं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है। और अब इनके बाद जो है ऑफिस के सारे लोग जो है एक एक करके फोटोज़ खिंचा रहे थे, और कुछ लोगों ने जो है आदित्य को गिफ्ट भी दिए। तो बेचारा अभिषेक जो है केक खा रहा था, इनके ऑफिस के जो कलीग हैं उन्होंने उसको उठा लिया फट दी से, उसको लगा कि ब्रेक लग गया उसके खाने में। उसके बाद ये हमारे नेबर्स हैं जो हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं, और केक कटिंग होने के बाद कैटरिंग वाले भी आ चुके थे, उन्होंने ऊपर सामान रख लिया था, तो हमने दो बंदों को अंदर बुला लिया ताकि पहले केक डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी थोड़े बहुत स्नैक्स रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम लोगों ने जो है डिनर का अरेंजमेंट भी कर दिया था। तो फिलहाल जो है सब लोग स्नैक्स को एंजॉय कर रहे हैं। फिर सब लोग बोल रहे थे आपने सबको सर्व कर दिया, आप भी खाओ करके। फिर मैं भी एक प्लेट लाके थोड़ा खाने लगे, एक दो बाइट मारे, फिर थोड़ा काम निकल गया, फिर मैंने अपनी प्लेट साइड में रख दी, और फिर कुछ सर्विंग की ज़रूरत थी तो फिर मैं वो करने लगी। और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, तो हम लोग ऐसे पार्शली खा रहे थे। और यहाँ पे ये लोग बेडरूम में देखिए कैसे हल्ला मचा रहे हैं बेड पे कूद कूद के। आदित्य को अगर उसके साइज़ का कोई कंपनी मिल जाए तो फिर तो उधम मचाने में नंबर वन हो जाता है। और अब स्नैक्स के बाद यहाँ पे डिनर भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो हमने फूड अरेंजमेंट किया था वो हमने किया था कि एक तो पलाव राइस बनवाया था, प्लस मटन करी एंड चिकन फ्राई विद दाल एंड अ फ्राई एंड जो अंबाड़ी की जो जो चटनी बोल सकते हैं, वो चटनी भी नहीं मतलब करी टाइप ही होती है। तो एवरी आइटम वॉज वेरी डिलीशियस, सब लोगों ने बहुत ही चाव से खाया। और किसी भी फंक्शन में जो प्लस पॉइंट होता है वो तभी होता है अगर आपका खाना अच्छा है, तो सब लोग को बहुत मज़ा आता है, पूरा पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो पहले जब खाना शुरू किया था तो एक एक को सब लोग को जो है कैटरिंग वाले ने सर्व कर दिया था, और आंटी ने थोड़ा खाया, और उनकी बेटी का अभी बच्चा पैदा हुआ है तो आंटी जो है घर में भी लेके चलेंगी, तो मैंने उनको एक बाउल में जो है थोड़ा करी वरी डाल के दे दिया था कि जो न्यूली डिलीवरी करते हैं बेबी को, उन लोग को चिकन इतना अच्छा नहीं होता है, मटन खाने के लिए बोलती, तो मैंने आंटी को बाउल में एक मटन भी दे दिया था कि आपकी बेटी को खिलाओ अच्छी तरह करके। और ये थे पूरे डिशेस, देखिए ये है पलाव राइस, और उससे पहले जो था वो मटन करी थी, एंड दिस इज़ वेज दाल एंड फ्राई, दिस इज़ चिकन फ्राई, और ये है दही वाली चटनी जो जनरली बिरयानी या पलाव राइस के साथ खाते हैं। तो सारा प्रोग्राम ख़त्म और सब लोग यहाँ बाहर चले गए, और आदित्य यहाँ पे डांस करे जा रहे हैं। अभिषेक, तो आपने पूरी हमारी जो है आदित्य की बर्थडे पार्टी देख ली। हेयर इज द बर्थडे बॉय एंड योर बर्थडे इज स्टिल ऑन, क्योंकि अभी 12 बजे नहीं है लेकिन गेस्ट सारे चले गए हैं। तो धीरे 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 जब पार्टी शुरू होती है तो पहले धीरे धीरे आते हैं लोग, जब तक सारे लोग नहीं आ जाते तब तक लगता है कि कोई एबसेंट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने लोगों का हमने कैटरिंग अरेंज कर दिया था, और लोग जो है थोड़ा धीरे 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 एक एक करके आ रहे थे।
और अभी ये दोनों देखो यहाँ पे, अभिषेक आदित्य, अभिषेक आदित्य, टाटोर आदित्य, हाउ इज योर बर्थडे पार्टी, यू आर नॉट विजिबल, हाउ वाज योर, डिड यू लाइक इट, लाइक इट, डिड यू चेक ऑल योर गिफ्ट्स, व्हेन विल यू चेक, ओके रॉक यू। अभी कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, एंड आई होप हमारा फंक्शन तो बहुत अच्छी तरह गया, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सब लोगों ने बोला, मतलब सब लोग ऐसे ऐसे करके खा रहे थे क्योंकि बहुत टेस्टी था, और हम भी पूछ रहे थे कि कैसा है खाना, क्योंकि जो कैटरिंग वाले को देते हैं जब तक 10 लोग खा के बता नहीं देते कैसा है तब तक ना दिल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, और सब लोग को बहुत ही अच्छा लगा खाना, हमने नॉन वेज वेज दोनों रखा था, तो ओवरऑल इट वॉज़ अ सक्सेसफुल फंक्शन। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपने इतना ग्रैंड क्यों सेलिब्रेट किया, ग्रैंड क्यों सेलिब्रेट किया, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बच्चों का कभी भी बर्थडे आता है, चाहे छोटे वाले का हो चाहे बड़े वाले का हो, हम हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में पिछले अभिषेक के बर्थडे का भी एक वीडियो डाला था, और हमेशा चाहे यूट्यूब में कर रही होती हूँ या नहीं कर रही होती हूँ, फंक्शन हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते रहते हैं तो उनको पता लगना चाहिए कि इस दिन की इतनी इम्पोर्टेंस है, जब हम उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता लगाएंगे तो फ्यूचर में वो भी अपने बच्चों के लिए करेंगे ना, तो बस मोटिव यही रहता है कि हैप्पीनेस को जो है चार पांच लोगों के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ बांटो तो और बढ़ती है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम भी बांटने से थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मैंने ये सब आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आज लाइक चिपकाते हुए बहुत बिल्कुल जाइएगा, और 2000 लाइक, यार कितने दिनों से कितने सदियों से मांग रही हो आपने, अभी तक 2000 लाइक तक पहुँचाए नहीं है, तो इस वीडियो के लिए तो पहुँचा देना प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने एंजॉय किया है तो बाकी लोग भी एंजॉय करेंगे, एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जाने से पहले जो साइड में बेल आइकन है ना उसको बजा के जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, यहाँ पर ये साउंड भाई साहब करे जा रहे हो, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चेंज करके लेट चुके हैं, और इसको भी चेंज करना है, आदित्य ऑलरेडी बाथरूम में है, तो ऑलरेडी कितने बज रहे, 11:20 हो रहे, और जल्दी जल्दी फटाफट चेंज करके कल आदित्य को स्कूल भी जाना है, इसलिए मैंने आती उसको सुला दिया था, और आज इसका ट्यूशन भी कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने ही बोल दिया था उनको, क्योंकि ही वॉज़ नॉट रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, और कैसे भी काम चल रहा था वो डेकोरेशन वेकोरेशन, इसलिए देखो मैं वीडियो एंड करने जाती हूँ और फिर बढ़ जाता है, तो ये सब हुआ, तो चलिए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई विल मीट यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय जी, बाय।